हेलो एवरीवन, दिस इज निशा एंड यू वॉचिंग फूड एंड फेस। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में दिल से वेलकम है। एंड आज मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल नाइट क्रीम शेयर करने वाली हूँ, जिसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। मैं लास्ट 7 डेज से वो यूज कर रही हूँ और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसे कि समर्स अभी आ ही चुके हैं और हमें हमारे पहले वाले प्रोडक्ट्स को करना होगा एकदम यूज इनका बंद, और ये वाली क्रीम हम अप्लाई करेंगे। जैसे मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आप लोगों को भी मिलेंगे, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और जल्द से जल्द मैं आपको आज की समर स्पेशल ग्लो क्रीम सिखाने जा रही हूँ। एंड बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बटन ऑफ बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सब नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, चलो अभी हम नाइट जेल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एकदम क्लीन साफ सुथरा बॉल, एकदम क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले मैं उसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस की हेल्प से हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन एकदम ब्राइट होगा। फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगी उसमें 2 टेबल स्पून ऑफ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डाबर का गुलाबरी रोज़ वाटर ले रही हूँ, ये मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून, एंड प्रॉपरली मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें वाटरी हैं तो हमें प्रॉपरली मिक्स करना रहेगा। फ्रेंड्स, ये जेल मैं लास्ट 7 डेज से यूज़ कर रही हूँ, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। फिर उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पे पतंजलि की यूज़ कर रही हूँ। हमें ये ऐड करनी है 2 टेबल स्पून, एंड प्रॉपरली मिक्स करना है। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रोज़ एलोवेरा जेल, ये भी बहुत अच्छी जेल है, पर्सनली ये मेरी फेवरेट है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप सिर्फ नॉर्मल एलोवेरा जेल डालना चाहते हैं तो वो भी ओके है। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी रोगन बादाम ऑयल। बादाम ऑयल इज़ परफेक्ट ऑयल फॉर आवर स्किन। विद द हेल्प ऑफ दिस हमारी स्किन एकदम ब्राइट होती है, टाइट होती है। फिर उसके बाद हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आलमंड ऑयल ऐड करने के बाद हम फिर से प्रॉपरली मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो एरोमा कंपनी का मैजिक ऑलिव ऑयल है। इसके रिजल्ट्स एकदम अमेजिंग हैं। फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल हमारे फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, अनइवन टोन है, कहीं कोई भी पैची से कोई भी स्पॉट्स हैं, सब में हेल्प करता है वो रिमूव करने के लिए। तो ये मैजिकली काम करेगा हमारी ये नाइट जेल के लिए। फिर हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे। सी द कंसिस्टेंसी, ये लिक्विड है आई नो, बट इट्स परफेक्ट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसमें और एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक कंटेनर लेके ये जेल को इसमें शिफ्ट कर दूंगी, एंड ये जेल आप 10 to 15 डेज तक यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। सी फ्रेंड्स, इट्स रेडी नाउ। फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज इसके रिजल्ट्स भी एकदम सुपर्ब हैं, और मैं ये 7 to 8 डेज से मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी एकदम नॉर्मल एंड घर से ही है। तो ये आपको इस तरीके से लगानी है, मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड है, आप ऐसा नहीं सोचना कि ये क्रीम हमने गलत बनाई है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड ही रहेगी। अगर आपको ज्यादा लिक्विड लग रही है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने फेस पे अप्लाई कर दें, और ये क्रीम बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगी आपके हाथों में।
इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है अपने फेस पे, अपने हाथों पे, जहां पे भी आपको अप्लाई करनी हो। और अप्लाई करने के बाद आपको करनी है नेना। फिर आप सुबह जब उठेंगे आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर देना है, और इसके आई थिंक 7 डेज में ही आपको इसके एकदम मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप भी बहुत खुश हो जाएंगे मेरी तरह। सो फ्रेंड्स, मैं ये वाली क्रीम लास्ट 7 डेज से लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे, और इससे आपकी स्किन में जो अनइवन टोन है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स भी ये क्रीम से सॉल्व हो जाएंगी। और हो सके तो आप ये क्रीम को नाइट में ही लगाएं, क्योंकि नाइट में ही हमारी स्किन का जो पूरा जो प्रोसीजर होता है रिपेयर होने का, वो नाइट में इफेक्टिवली वर्क करता है। तो दिन में भी लगा सकते हैं, नॉट एन इश्यू, बट रात में इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। सो होपफुली आपको ये क्रीम अच्छी लगी होगी, जरूर 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 बनाएं आप। और अब वक्त आता है हमारी टिप का। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी समर सीजन है, और समर सीजन में ये प्रॉब्लम काफी लोगों की होती है, उनके थाइज में रैशेज हो जाते हैं ज्यादा देर जीन्स वियर करने से या ज्यादा देर टाइट कपड़े वियर करने से, हमको रैशेज हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम मोस्टली गर्ल्स को ज्यादा होती है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपको भी रैशेज हो जाते हैं आपकी लेग्स में, तो मैं ये वाली टिप अप्लाई करती हूँ और मुझे 95% तक मुझे इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो आपको करना क्या है, आप अपनी हथेली में थोड़ा सा सोफ्रामाइसिन ले लीजिए, नॉर्मली जो सबके घर अवेलेबल होता है, उसमें ऐड कर दीजिए 2 ड्रॉप्स ऑफ पैराशूट ऑयल एंड थोड़ा सा टैल्कम पाउडर, जो भी आप यूज करते हो, अच्छे से आप इसको हाथ में मिक्स करके अपनी थाइस पे अप्लाई कर दीजिए। और ये अप्लाई करने के बाद आप सो जाइए, ये रात में ही अप्लाई करना है। और सुबह को आपको 90-95% तक आपको रिलीफ हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सो ये था मेरा आज का टिप, होपफुली ये भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।